गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कल जो मैंने इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं कल कौन से हमारे इंट्राडे स्टॉक्स थे। चलिए देखते हैं सर। एक मिनट, ये देखिए पेट्रोनेट एलएनजी पहला स्टॉक था और टोरेंट पावर दूसरा था ट्रेंडिंग में। फिर पांच स्टॉक्स हमारे उसमें थे बुलिश में, और पांच स्टॉक बुलिश में थे रिलायंस, एफडीसी, एशियन पीडीलाइट और दीपक नाइट्रेट, लास्ट में शोभा था। तो एक प्रत्येक शेयर में हमें 12,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट से ट्रेड करना था। तो देखते हैं क्या कैसी रही हमारी परफॉर्मेंस। तो ये था हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक का पहला स्टॉक। देखिए पहली कैंडल बनते ही बनी और उसका आप देख सकते हैं कि हाई टूटा। हाई टूटने के बाद उसने जो है हमें 56 शेयर उसमें मिले। 56 शेयर हमने 12,500 के मतलब 56 शेयर आए और 223.75 रुपये का में हमें बाई किया, सेल किया 226.80 रुपये का, 3.05 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 170.80 रुपये का कुल प्रॉफिट इसमें हुआ। तो ये था पहला शेयर। अब देखते हैं दूसरा शेयर कौन सा था, टोरेंट पावर। आइए देखते हैं टोरेंट पावर में क्या हुआ। तो टोरेंट पावर में चलते हैं दोस्तों। देखिए टोरेंट पावर में ये पहली कैंडल बनी थी और इसका यहाँ पे देखिए लो टूट गया। लो टूटने के बाद इसने क्या किया, ये फिर ऊपर चला गया और इसने हाई भी तोड़ दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो हमने सेल किया था 42 शेयर जो 12,500 में आए थे। तो इसमें जो है 295.60 रुपये में हमने सेल किया था। फिर हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ 298.90 रुपये पे, यानी 3.30 रुपये प्रति शेयर का हमें नुकसान हुआ, जो कि कुल मिला के हमें 138.60 रुपये का नुकसान हुआ। तो अब चलते हैं बुलिश स्टॉक में। बुलिश स्टॉक का पहला स्टॉक था हमारा रिलायंस। रिलायंस में देखते हैं क्या हुआ। रिलायंस में देखिए हमने 9 शेयर बाई किए 1,377.85 रुपये पे और सेल किया उनको 1,385.60 रुपये पे, 7.75 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 69.75 रुपीज़ का कुल प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक था हमारा एफडीसी में हमारा देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ है, बुलिश स्टॉक था इसलिए कोई ट्रेड नहीं बना। और उसके बाद चलते हैं, दो स्टॉक हो गए। तीसरा स्टॉक था हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देखते हैं किस तरह से रहा। देखिए ये हाई था हमारा 1,562.95 रुपये और इसने हाई बनाया 1,581.85 रुपये, यानी कि 18.90 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हुआ। हमने 8 शेयर लिए थे तो 151.20 रुपये का हमें प्रॉफिट रहा। इसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो अगला शेयर था वो था एशियन पेंट का। चलिए देखते हैं एशियन पेंट में कैसा रहा। ये देखिए एशियन पेंट भी बुलिश स्टॉक था। ये देख सकते हैं आप 9 शेयर हमारे आए, 1,844.95 रुपये इसका हाई था जो कि वो ब्रेक हुआ और 1,386.85 रुपये का हाई बना। तो 8.10 रुपये प्रति शेयर हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमें 72.90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद दीपक नाइट्राइट, ये एक शेयर है बुलिश में, उसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें दोस्तों कोई ट्रेड नहीं बना। देखिए हाई भी इसका ब्रेक नहीं हुआ, बुलिश स्टॉक था तो कोई ट्रेड नहीं बना। ये थे पांच स्टॉक बुलिश के और केवल एक स्टॉक था शोभा डेवलपर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका लो टूटना था, तो पहली कैंडल ने इसमें लो मारा, काफ़ी गैप डाउन खुला और यहाँ पे सर्किट लग गया। दोबारा जो है इसमें इससे नीचे नहीं गया, फिर ये उससे ऊपर गया, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। तो कुल मिला के
आज हमें 326 रुपया 5 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ पर लॉस में भी नहीं रहे। तो कुल मिला के समरी ये रहेगी, हम प्लस में ही थे, हमारा अगर ब्रोकरेज भी काट लो तब भी हम प्लस में ही है, मतलब नुकसान नहीं हुआ। मेन बात है कि आज हमारा कैपिटल, हमारा अपने कैपिटल को बचाना, प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, तो प्रॉफिट कैपिटल बचाओ तो आपको अनेकों चांसेस मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कैपिटल घटते गई तो फिर आपका पैसा जो है धीरे 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 वो मार्केट आप दीमक की तरह खा जाएगा और आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो मेन बात है कि अपना कैपिटल पहले सुरक्षित करें, प्रॉफिट अपने पास अपने आप आपके पास आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही, कल के इंट्राडे स्टॉक्स लेकर। ओके बाय।